तुम्हारी देखी अभी लविश आई के सब्सक्राइबर मिल गए। यहाँ पर गर्मा गर्म खीर कोरमा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं रात से, और आज है 27वीं शबे कद्र की रात, और आज हमारे पश्चिम थोक मोहल्ले वाले मस्जिद में होने वाला है सहरी का इंतजाम। तो हमने सोचा कि आज रात से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग तो फिलहाल अपने घर के काम में बिजी हैं, तो इस वजह से घर में तो व्लॉग बना नहीं पा रहे। तो फिर सोचा कि आज का टॉपिक यही रखते हैं। तो अभी फिलहाल हम बाहर ही जा रहे हैं और दिखाते हैं बाहर का माहौल क्या है, क्या क्या हो रहा है बाहर। चलिए निकलते हैं। अभी वक्त क्या है? वक्त हो रहा है 11:30, तो हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो। आज की रात सब जाग रहे होंगे लगभग, आवाज आ रही है गलियों में। तो अभी देख सकते हैं गली में हम चल रहे हैं अकेले। देखो भाई साहब, यहाँ तक तो सुनसान लग रही है, लेकिन आगे चहल पहल लग रही है थोड़ी सी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी खीर बन रही है और हमारे मामा बना रहे हैं ये खीर को। भट्टी पर बन रही है, बहुत ही जबरदस्त खीर। भट्टी के आग पर बनी हुई खीर जो है ना, काफी अच्छे से पक जाती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर निकलती है बनकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा खाने का इंतजाम हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तंदूर भी लग रहे हैं और साथ में ये कोरमे में उबाल आ रहा है, आग ही देखते पर इतना अच्छा लग रहा है। और इधर खीर रेडी हो चुकी है लगभग, और बाहर देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। तो रात में काफ़ी अच्छा लगता है शबे कदर पर। तो ये देख सकते हैं रात को जाग जाग कर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अभी अभी खीर बना कर आए हैं, है ना? सही बात है, पूरी मजदूरी उसी में आपने की है। और यहाँ पर सब कुछ अभी लगातार तैयारियाँ चल रही हैं रात की सहरी की। तो भाई देखिए, यहाँ पे कैंप पर रख चुके हैं सहरी के लिए, और ये देखिए यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, बाल्टियाँ धो जा रही हैं, और यहाँ पे खाना बैठे नहीं खड़े हैं। तो सामने देख सकते हैं कोरमा लगभग रेडी है, आग बजाई जा रही है कोयलों की। तो भाई जी देखिए, यहाँ पे मुन्ना भाई रहते हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी लविश आई के सब्सक्राइबर मिल गए हैं, ये देखिए। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर तक, आगे देखिए। तो भाई साहब अभी हम वहाँ से चेक करके वापस जा रहे हैं घर पर, सुनसान पड़ी है गलियों में, और एक राउंड मार लेते हैं घर पर ही। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 2:30 बजे के करीब शुरू होगा खाना वाना, और साथ में ये भी आ गए हैं, इनको तो चैन है। तो हर साल ही आता हूँ। हर साल आता है, और पिछले साल बस कुत्ते गलियों में हमला ना करें। तो फाइनली गाइस, सहरी का टाइम हो चुका है और खाना स्टार्ट हो चुका है। साहब सहरी खाकर डंडे के साथ आए, ताकि कुत्ता हमारा पीछा ना कर सके। चलिए, तो भाई साहब अभी हो चुका है सुबह का वक्त, और सहरी करने के बाद हम थोड़ा सा लेट उठे, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे काम चल रहे हैं, हमारा होम टूर व्लॉग शूट चल रहा है, हमारे घर की सफाई कंप्लीट हो गई है और होम टूर व्लॉग शूट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, उसकी चल रही है एडिटिंग, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, एडिटर भी कर रहा है। और आपके सफर के लिए एक छोटा सा टीजर भी आपको दिखा देता हूँ, जो ये आप व्लॉग देख रहे हो तो उसके दूसरे दिन वो व्लॉग आ सकता है, चांसेस लग रहे हैं कुछ, क्योंकि रात को जाग जाग कर एडिटिंग किया है, बहुत मेहनत किया है। तो फिर मैं आपको छोटा सा टीजर दे देता हूँ आपके सब्र देने के लिए।
ठीक है, छोटा सा क्लिप आपको दिखा दिया है, ये एडिटिंग प्रोसेस में मैंने आपको दिखाया है क्योंकि अभी इसकी एडिटिंग चल रही है, फाइनल एडिटिंग नहीं हुई है। जैसे ही फाइनल एडिटिंग होगी वैसे ही दूसरे दिन आपके पास ये व्लॉग आ जाएगा। ये व्लॉग काफी खास होगा, काफी अच्छा होगा, आपको देखने में भी मजा आएगा और हमको ये बनाने में भी काफी मजा आ रहा है क्योंकि नॉर्मली जो व्लॉग बनते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक बनते हैं, रात को दो चार घंटे एडिटिंग होने के बाद सुबह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस व्लॉग में हमको कम से कम आज तीसरा दिन है एडिट करते हुए और शूट करते हुए और इसका स्क्रिप्ट लिखते हुए, तो फिर ये शायद कि आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आज के व्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है उसके एडिटिंग को ही लेकर, तो इस वजह से ही अभी जो व्लॉग है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये याद रखना और लोगों को बता देना कि होम टूर का वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। कल प्रॉमिस करते हैं आपसे कि लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आज चाहे रात बीत जाए, कुछ भी बीत जाए, इसकी एडिटिंग खूब करेंगे दिल खोल के। ठीक है, बाकी मैं कल के व्लॉग में से आप लोगों के कमेंट निकाल लेता हूँ, मम्मा को भी बुला लेता हूँ ऊपर, वो भी जवाब देती रहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए गाइस, मम्मा आ चुकी हैं ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं और कमेंट भी मैंने निकाल लिए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो पढ़ देते हैं अब जल्दी से। सबसे पहला कमेंट है जिग्गू व्लॉग का, कह रही है हमें वीडियो का इंतजार है। बिल्कुल, हमको भी इंतजार है भाई। तो फिर आपका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है भाई। फिर अगला कमेंट है वाहिद खान यानी कि आकिब का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं वीडियो का इंतजार रोजाना कर रहे हैं, तो बस आपका इंतजार खत्म करने के लिए मेहनत चल रही है, मेहनत हम कर रहे हैं। फिर अगला कमेंट है दिल्ली वाली खाला का, जो कि कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कह रही है कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे भाई, मेहनत कर रहे हैं। और कह रही है मैं बिजी हूँ बहुत, आने वाली हूँ ईद के बाद, आऊंगी आपके घर देखने के लिए। जरूर आना भाई, हम भी इंतजार करेंगे। यस, बेशक बिल्कुल आइए। फिर अगला कमेंट है पीपू का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, नाइस व्लॉग। और कह रही है भाई कल का व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ऐसी क्या खास बात देख ली उसने। फिर अगला कमेंट है इमरान सैफी का, जो की कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मस्त व्लॉग। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका भाई। और लास्ट कमेंट है इन्फिनिट एनर्जी का, जो कि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है हमको, शुक्रिया आपका बहुत बहुत पसंद करने के लिए। तो ठीक है, आज के व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आगे आने वाले हैं। बाकी मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय बाय।